रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक एवरीवन। आई होप कि आप की आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी और उसे मजीद और खुशगवार बजाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं मॉर्निंग विद जुगन में। आज हमारा फाइनल है ऑफ दिस अमेजिंग गेम शो जो हमारे सोशल मीडिया सेंसेशंस और हमारे मीडिया स्टार्स हैं उनके बीच में हमने किया, और टीम वन, टीम टू, टीम थ्री एंड टीम फोर जो हैं वो कुछ ही देर में आपसे मुलाकात करेंगी। लेकिन उनसे मिलने से पहले आपसे मैंने एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है, और वो ये है कि अलूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम, इट्स द बिगेस्ट LDA अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ लाहौर, इट्स लोकेटेड वेस्ट ऑफ लाहौर। जब हम बात करते हैं अलूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तो ये ज़रूर मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है कि चार ब्लॉक्स अभी तक उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, दे आर प्रेजेंट। वेस्ट मरीना कॉटेजेस और विलेजेस और विलास जो हैं वो सिग्नेचर डिज़ाइन है बाय मजहर मुनीर। अच्छा, ये एक ग्लोबली रेनाउंड आर्किटेक्ट हैं, बहुत ही ब्रिलियंट आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी बहुत से प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं जिनके बहुत से लोग फ़ैन हैं। उनसे स्पेशली डिज़ाइन करवाया है, उनका सिग्नेचर डिज़ाइन है वेस्ट मरीना कॉटेजेस एंड विलास का। अच्छा, इनकी दो तीन बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बहुत ही अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है, यानी कि वो जो कहते हैं ना आपका बैंक बैलेंस जो है वो ब्रेक नहीं हो जाएगा जस्ट बाय वो जो कहते हैं ना ट्राइंग टू परचेज दीज प्लेसेस। सो अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है, 80% कॉटेजेस और विलास जो हैं वो पार्क फेसिंग है। अच्छा, जब इंसान अपने घर को बनाने का सोचता है या घर लेने का सोचता है तो हमेशा यही होता है कि किसी अच्छी जगह में हो, एक तो दिखने भी खूबसूरत, उसके अलावा उसके अंदर जो अमेनिटीज़ हैं घरों के अंदर वो उसी लेवल की हैं जो शायद दो या तीन कनाल के घर के अंदर आपको मिले। इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्रॉपर तरीके से उसे डिज़ाइन कराया ताकि वो सारी फैसिलिटीज़ आपको उस जगह में, उस स्पेस में मिले जिनकी यूजुअली बड़े घरों में होती हैं। और लोग कहते हैं कि यार इतना बड़ा घर हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे, हमारी ये भी चीज़ नहीं है, वो भी चीज़ नहीं है, इनमें वो सब चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। अच्छा, उसके साथ बहुत ही सेफ वो जो कहते हैं ना महफूज इन्वायरमेंट है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर लार्ज प्ले एरिया और ग्राउंड है जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं आउटिंग्स पे, वो एंजॉय कर सकते हैं। सो बहुत सी इंपॉर्टेंट और वो चीज़ें जो किसी भी फैमिली मेंबर के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको अलूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम में मिलती हैं, स्पेशली इन द वेस्ट मरीना कॉटेजेस एंड विलास। 5 साल का पेमेंट प्लान है, 80% जो कॉटेजेस और विलेज हैं वो पार्क फेसिंग है, सेफ इन्वायरमेंट है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड और प्ले एरिया है बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स जाना चाहते हैं। आजकल वैसे ही आपको पता है स्पेशली जब से ये कोविड का इशू बना है एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है घर वालों का कि भाई करें क्या, बच्चों को कैसे ऑक्यूपाइड रखें, कैसे उनको बिजी करें। तो बेहतरीन तरीका तो यही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, और आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है पार्क में लेके जाना या आउटडोर स्पेसेस में लेके जाना जहाँ पे बच्चे सेफ भी हों, खेल कूद सकें, फैमिलीज जो हैं वो जा सकती हैं पिकनिक्स पे, लॉट्स ऑफ अमेजिंग एक्टिविटीज़ जो आप आउटडोर में प्लान कर सकते हैं। 04211133398 7, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और मैं ज़रूर आपको याद कराऊंगी कि अल जलील डेवलपर्स जो हैं उनकी जो भी चीज़ें वो डेवलप करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वो हमेशा बहुत ही अमेजिंग होती हैं। सो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा कॉल करके, पेमेंट प्लान्स और जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप इंफॉर्मेशन तो ज़रूर ले सकते हैं। 04211133987 पे कॉल कर सकते हैं। लाइक आई सेड, 5 ईयर वेरी वेरी इजी पेमेंट प्लान। अच्छा व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से रिलेटेड ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स एंड प्राइजेस जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत से तहाइफ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देंगे। बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट किया है, और आई एम पर्सनली वेरी इम्प्रेस्ड विद द लेवल ऑफ एफर्ट। आइए कंटेस्टेंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। मिस्टर ईसा एज यूजुअल लेट एंट्री मार रहे हैं, आ जाए, कल भी आप सोते हुए आए हैं, आज भी सोते हुए, आज सोया नहीं, चलो उधर, आज अलग मसला था, बड़ी आज अलग मसला था, हर बार इस बच्चे का कोई नया। मैं 2 घंटे से यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, हाँ, आपने वो मिर्ची खिलाई थी ना कल, बस समझ जाओ। अच्छा अच्छा, तो जो मिर्चे जो है वो अंदर रहने का इनकार कर रही हैं, वो बाहर नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मामला क्लियर हो गया, और अगर बीच में जाना हुआ तो बेटा हाथ उठा के इशारा कर देना, हम आपको भेज देंगे। बाकी सब के हालात ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, उनके ठीक नहीं है। अच्छा कुछ लोगों, अच्छा किस किस के हालात ठीक नहीं है, हाथ उठाएं।
अच्छा दो लोगों के हालात खराब हो, ठीक है, मतलब टू आउट ऑफ एट इज नॉट बैड। आप बताएं आपके हालात कैसे हैं? इन्होंने तो कल सारी मिर्चें खा ली ना लड़कियां। बाय द वे प्लीज माइक में बोलें क्योंकि वरना आपकी आवाज नहीं आएगी। बाय द वे मतलब इन्होंने तो तबाही कल मचा दी ना, ये दोनों टीम बाय द वे गोइंग स्ट्रॉन्ग, और इस वक्त हमारी लीडिंग टीम भी टीम नंबर टू है। अभी सोशल मीडिया वाले पॉइंट्स भी ऐड होने हैं एंड में जाके, एंड ऑफ कोर्स और मैच टीम वन के अलावा काफी क्लोज जा रहा है। बेटा रिलैक्स करने आए थे? मैं नहीं ये। तो मोहम्मद अली एंड मरियम, लाइक आई सेड, इस वक्त हमारी लीडिंग टीम। टीम नंबर थ्री जो है वो है सेकंड पे इस वक्त आ रही है, शेख कासिम एंड आयशा, एंड देन ऑफ कोर्स ईसा एंड हिरा खान इस वक्त नंबर थर्ड पे आ रहे हैं टीम नंबर फोर। और बाय द वे ये वो टीम है जिसने स्टार्ट आउट किया था ऑन टॉप। क्या कहा था, पल्ला कभी भी पलट सकता है। वैसे पलट तो आज भी सकता है, नेवर नो। हाँ, बिकॉज़ यू सी इट्स क्लोज इनफ, इट इज क्लोज इनफ। मैं वैसे दिल चाह रहा है कि टीम वन को जजेस के तौर पे साथ बिठा देती हूँ तुम लोगों को खेल लेते, बट लाइक आई सेड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो पॉइंट मिल जाते हैं और सारी गेम्स आप आज जीत जाते हो, प्लस आपको दो पॉइंट सोशल मीडिया वाले भी मिल जाते हैं, यू कैन स्टिल बीट देम। आई एम जस्ट सेइंग यू कैन स्टिल बीट देम, देयर आर स्टिल गेम। अगर हम फॉर एग्जांपल 5-6 to 7 गेम्स खिलाते हैं, साथ में हम दो पॉइंट सोशल मीडिया के भी दे जाते हैं, सो यू कैन स्टिल विन। लेट्स सी, आई एम जस्ट सेइंग यू कैन स्टिल विन। कुछ भी हो, माय बेस्ट, यू विल डू योर, यू कैन आल्सो ट्राई योर बेस्ट। आज कोशिश कर, इंशाल्लाह आज हमारे लिए कोशिश करें। ओके, सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बाय द वे गेम्स इस बार आज काफी टफ हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, आहे क्यों भर रही हो, पता था कि आज मुश्किल होगी, फाइनल है, डिफिकल्ट गेम्स है। आई एम वार्निंग यू गाइस, आपकी फिजिकल इंड्योरेंस को भी टेस्ट किया जाएगा, आपकी मेंटल इंड्योरेंस को भी टेस्ट किया जाएगा, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को भी टेस्ट किया जाएगा। आपने तो खैर हमारी जो विजुअल एक शौक हमें हर रोज मिलता है सुबह सुबह आके कासिम साहब के साथ खड़े होकर ब्रेक लेंगे, ताकि आप लोगों की आंखों को भी वही शौक मिले जो मुझे मिला। क्या 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 शर्ट है, वाह बिजली वाह सर जी, शुक्रिया शुक्रिया, योर वेलकम योर वेलकम। ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमेशा ईसा ने ना इस बच्चे ने कोई हरकत करनी होती है। अच्छा लगा बता यार, गाना अच्छा लगा, गाना अच्छा लगे। अब आप सोच रहे होंगे बॉल्स कहां से गिर रहे हैं व्यूअर्स, थैंक यू बेटा। अच्छा ये हमने टिश्यू बॉक्सेस, घूम जाओ बेटा, इस तरह करके टिश्यू बॉक्सेस बंद किए हैं और हाथ इनके बांध दिए हैं। इन लोगों ने छलांगे मार के और इन बॉल्स को गिराना है, जिसके सबसे कम बॉल्स या जीरो रह जाएंगे बॉक्स के अंदर वो विनर होंगे, ठीक है। और आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने नजर रखनी है कि क्या वो क्लियर हो गए हैं या नहीं हुए, राइट। सो अगर हैं नहीं है उनको वो गाइड करते रहना है, ठीक है। हम काउंटडाउन करेंगे एक मिनट का, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी चाहते हैं कि कुछ तहाइफ जीतें, तो ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है बाय अजालिया, ये है बाय रिशा सुलेजा। सो अजालिया AZALEA बाय अरीशा सुलेजा, ये आपने इनको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है अगर आप इस किस्म का ड्रेस कोई जीतना चाहते हैं, तो ये ड्रेस आप जीत सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। अरीशा सुलेजा डॉट ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम का है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुगन काजिम पे मैंने इनको टैग किया हुआ है, तो आप अगर मेरी जो आज की पोस्ट देखते हैं जुमा मुबारक की, उसके नीचे मैंने अरीशा सुलेजा डॉट ऑफिशियल को टैग किया हुआ है। इनको आपने लाइक करना है इंस्टाग्राम पे, फॉलो करना है और अपनी स्टोरीज में शेयर करना है जो आपको उनका आउटफिट पसंद है, और अपने तीन फ्रेंड्स को टैग करना है,
ठीक है, उनमें जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स जिस वाले स्टोरी को मिलेगा या जो सबसे ज़्यादा लोगों को टैग करेगा उनको गिव अवे मिलेगा फ्रॉम अरीशा सुलेजा, एंड अरीशा सुलेजा डॉट ऑफिशियल जो है वो उनका इंस्टाग्राम का पेज है। लाइक आई सेड, मेरे सोशल मीडिया, मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, उधर जो पोस्ट लगी हुई है मेरी आज की जुम्मा मुबारक की इसी आउटफिट में, उधर से आप मज़ीद फॉलो कर सकते हैं जाके उनको, एंड देन लाइक करें, शेयर करें, और देखते हैं कि आप में से कौन जीतेगा। हम मॉर्निंग विद जुगन पे ही अनाउंस करेंगे विनर का नाम। आप लोग तैयार हैं? यस। समझ आ गई है? ओके, और 1 2 3 गो। हाँ वो ठीक है, वो उसकी खैर है, हम आपके माइक को बाद में सेट कर लेंगे। ओके, सो इस वाले सेगमेंट में आप के विनर हैं, और एक रह गया है अनफॉर्चुनेटली कासिम भाई, बट ग्रेट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट। जब तक हम रीसेट कर रहे हैं नेक्स्ट पर्सन को, भाई तालियां बजाएं। अच्छा नहीं, लड़के लड़के उनका हाथ बांध दें, आप उनका हाथ बांध दें, और अब हम लोग काम करके बाकी के बॉल्स डालेंगे। सो इस वक्त टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 4 में से टीम नंबर 4 को मिला है 1 पॉइंट। भाई मेरा मार्कर किधर है? सुबह सुबह मेरे मार्कर गायब हो जाते हैं। जी हाँ, सो हमारी टीम्स का सेटअप फिर से हो रहा है। टीम नंबर 4 गेट्स 1 पॉइंट इन दिस राउंड। अब देखते हैं कि 1 और 2 में से कौन सी टीम को मिलेगा। हमारा क्या सेटअप हो गया है फिर से नया कि नहीं? अच्छा, हमारा न्यू सेटअप अभी हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक आज के प्राइजेज और गिवअवेज की बात हो रही है, तो आप वेव्स की तरफ से जो विनिंग टीम है उनको माइक्रोवेव मिलेगा, और उनको उनका जूसर ब्लेंडर मिलेगा। नूर बाय जुगन काजिम की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, उसके अलावा आपको खालिसपुर की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, और बोरजान की तरफ से भी आपको एक पेयर ऑफ शूज़ ईच मिलेगा। ये विनिंग टीम जो है उनको मिलेगा। उसके अलावा जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिक्र ना करें, हम आपको भी कुछ ना कुछ देंगे। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक लाइमलाइट की तरफ से भी एक जोड़ा मिलेगा हमारी विनिंग टीम को। सो लॉट्स ऑफ प्राइजेस एंड गिफ्ट्स दैट वी आर गोइंग टू गिव। हमारे बॉयज रेडी हो गए हैं कि नहीं रेडी हुए हैं? क्योंकि नेक्स्ट मरहले की तरफ हमने बढ़ना है। रीसेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है गाइज, तो हम वो कर रहे हैं। बाय द वे, आपने ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। आर यू इन्जॉइंग मॉर्निंग विद जुगन? आपकी फीडबैक क्या है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मॉर्निंग शो को डेवलप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इन्जॉयबल एक्सपीरियंस हो, एंड वी आर ट्राइंग आर बेस्ट, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। सो अपनी फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिएगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, मेरे सोशल मीडिया पे भी मैं अपडेट्स देती रहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप सोशल मीडिया पे जाके वोट कर सकते हैं टीम्स के लिए, लेकिन खैर वोटिंग का पीरियड भी अब ख़त्म हो गया है। अब जिस जिसने वोट किया है फॉर टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, उसका एंड में जाके पता चलेगा कि 2 पॉइंट्स किसको मिलेंगे और 1 पॉइंट किसको मिलेगा। 2 पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा जिस टीम को लोगों ने कमेंट्स किया है, बातें की हैं, शेयर किया है, उनको मिलेगा, और 1 पॉइंट उसको मिलेगा जो सेकंड नंबर पे आएगा। सो ये भी अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड होने हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जब तक हमारे बॉयज़ तैयार हो रहे हैं, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब फौरन वापस आएंगे तो पार्ट 2 ऑफ गेम 1 हम खेलेंगे, और वो होगा बिटवीन टीम 1 एंड टीम 2। ब्रेक के बाद पार्ट 2 ऑफ गेम 1, यानी कि टीम 1 एंड टीम 2 अब हमारे साथ हैं यासिर एंड मोहम्मद अली। गाइस छाले मारनी है, और जो ये बॉल्स हैं, एक सेकंड यासिर अगर घूम जाएं आप, एक सेकंड, ये इसके अंदर हमने पिंग पोंग बॉल्स डाले हुए हैं, छलांगे मार के जिनका सबसे पहले क्लियर हो जाएगा वो जीत जाएंगे। छलांगे मारनी है, जो भी करना है उस तरह से। 1 2 3 गो। जल्दी जल्दी जल्दी, आहा म्यूजिक।
जी हाँ, बिल्कुल क्लियर मोहम्मद भाई, मोहम्मद अली, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब टीम नंबर फोर यहाँ पे आ जाए प्लीज हमारे पास जल्दी से। तो टीम नंबर टू को स्कोर मिलेगा। ओके, सो टीम टू एंड टीम फोर ने स्कोर किया इनिशियली। टीम फोर अब आप लोग आ जाएं यहाँ पे। करना हमने ये है कि हमारे पास यहाँ पे हैं पिंग पोंग बॉल्स, ठीक है, ये अब गर्ल्स खेलेंगी, ठीक है। बॉयज हेल्प इस हद तक कर सकते हैं कि बॉल्स पकड़ा लें या व्हाटएवर, उससे ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं होगी। आपने बाउंस करके बॉल, सिंगल बाउंस होना चाहिए और इसके अंदर जाना है, ठीक है। नहीं मतलब मैं करके दिखाऊं, मैं को अगर मैं कर सकती तो मैं ना खेल रही होती। अच्छा ईशा तुम भी आके ट्राई कर लो, तुम भी आके ट्राई कर लो, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ ना जरा, हम ट्राई करते हैं दोनों मिलके करते हैं। 1 2 3 गो। ऑलमोस्ट एक और। अच्छा चलो एक और ट्राई, हम अभी खेल रहे हैं, अभी हम दोनों अपना अपनी गेम खेल रहे हैं। 1 2 3 गो। ऑलमोस्ट एक तो लैंग्वेज। हाँ चलो ओके गाइस, आर वी रेडी? द होल पॉइंट इज के गेम हमारी टफ होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, रेडी? बाउंस होना जरूरी है। हाँ जी, बाउंस करना जरूरी है। हाँ दिस इज लाइक क्रिकेट, एवी खेल रहे हो ब्रो, ये लगना जाए। 1 2 3 गो। आपकी शर्ट आपसे ज्यादा मुस्कुरा रही है। रेडी? आर यू गाइस रेडी? 1 2 3 गो। ऑलमोस्ट टीम नंबर थ्री, कम ऑन। बड़ा आसान है वहां पे खड़े होके कहना सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में। अच्छा ओके 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 गाइस कम ऑन, हम कैचिंग ही किया अपने आ जाए। जैसे कि मैंने कहा कि इतना आसान नहीं है जितना ये लगता है। और दूसरी बात व्यूअर्स याद रखिएगा कि एक दो तीन चार पांच, जब आप 20-25 सेकंड गुजर जाते हैं ना, इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके टीम नंबर टू, कम ऑन लेट्स गो गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप, कम ऑन गर्ल्स, आइए 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 आइए, चले रेडी? 1 2 3 गो। Let's go! Almost.
बॉस चला गया था, थोड़ा सा फोकस के साथ। ओ ओ नहीं हो रहा, कम ऑन कर लेना। मरियम 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 कम ऑन मरियम मरियम कम ऑन मरियम कम ऑन मरियम ओके ओके। सो आप लोगों ने तीन किए हैं। टीम नंबर टू ने टू किए हैं। नॉट बैड। टीम नंबर वन, कुछ हालात बनते नजर आ रहे हैं, इनके आ रहे हैं। आ जाओ, चलो लेट्स गो, फोकस के साथ हमने आगे बढ़ना है। कम ऑन गाइस, मुझे लगा था इसका होगा। ये दे दो, उसका तुम्हारे साथ कोई काम नहीं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेटा। हाँ ओके, वन टू थ्री गो। आराम से इजी होके करो, आराम से तहमुल से। लेट्स गो। मानूर यू कैन डू इट। आराम से टिप करो। मानूर कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेटा। ओ गेटिंग क्लोज, थोड़ा पीछे से आ जाए। ओह यस वन, ओके वन, नॉट बैड नॉट बैड, ऑलमोस्ट। Four, three, two, one, yeah! Okay. OMG हो गया, OMG हो गया, और OMG का मतलब क्या हुआ? Team number four. Team number four. इंटरेस्टिंग, पल्ला फिर पलट रहा है, किस डायरेक्शन में जाएगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थोड़ा सा हम भी खेल लें, नहीं एक्चुअली खिलाना हमने इनको ही है। अब नेक्स्ट गेम, हमारे कंटेस्टेंट सुन लें और व्यूअर्स आप भी सुन लें। ऑपोजिट टीम का बंदा जो है, आप लोग नॉमिनेट करेंगे अपने टीम में से कि बॉय खेल रहा है कि गर्ल खेल रहा है। जो भी बंदा खेल रहा होगा, ऑपोजिट टीम वाला बंदा जो है उनकी आंखों पे पट्टी बांधेगा, और फिर आपने अपने कलर का बलून उठा के अपने टीम मेंबर को देना है। एक एक टीम एक एक टाइम पे खेलेगी, और आपको मैं जगह पे प्लेस कर दूंगी जो भी अपोजिंग टीम होगा। जैसे कि अगर ईसा आप खेल रहे हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको हीरा मैं प्लेस करूंगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट पे, और आप तक लेके आना है उन्होंने बलून, ठीक है? सो वो ईसा बलून पकड़ेंगे अपने कलर, एक टाइम पे एक ही पकड़ना है, एक टाइम पे पकड़ के फिर आप तक पहुँचाना है। क्या जैसे पिछली बार होल्ड करके रखने थे, अगर हम गिनते जाएंगे, ठीक है, गिरने का इशू नहीं है, लेकिन बात यह है कि उनके हाथ में जाना चाहिए। ये नहीं है कि उन्होंने टच किया और वो उड़ता हुआ चला गया, हाथ में पकड़ा हमने काउंट किया, तब तक आप अपना अगला बलून पकड़ेंगे। डन हो गया। अच्छा स्टार्ट करते हैं टीम नंबर वन के साथ। टीम नंबर वन में से आप खेलेंगे या आप खेलेंगी? मानूर आप खेलेंगी। मानूर की आंखों पे पट्टी प्लीज आप बांध दीजिएगा बेटा, और अनम आप गुब्बारे ना फाड़ें तो आपकी मेहरबानी होगी। साथ में हमारी टीम मेंबर्स भी जो है ना अपनी एक्टिविटीज साथ साथ करते जाते हैं, ठीक है? तो मनूर की आंखों पे पट्टी बांध दी है आयशा ने, और अब उसका दो सिर ना उसका ज्यादा ना करना ना। अच्छा आ जाइए, थोड़ी खड़े होना, आ जाइए या सिर आ जाओ। मानूर आप यहाँ आ गए या सिर आप यहाँ पे आ जाए,
इधर यहाँ पे स्टैंड करेंगे आप तक अब बस यहाँ पे आपने स्टैंड करना और आपने यहाँ से हिलना नहीं है. वन आपका कलर है रेड. वन टू थ्री गो. हेरा बिल्कुल आगे है. इधर लेफ्ट 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 या यही है. आगे आ जाओ आगे आ जाओ. कहाँ बिल्कुल बिल्कुल नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ. यही है ये जिस हाँ ये यस बिल्कुल आप नीचे बैठ जाओ. इधर ही इधर बैठ जाओ. आ दो सामने सीधा सीधा पीछे आओ पीछे राइट 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 और आगे बैठ जाओ बैठ आगे आगे ये हाँ ये यस यस ग्रेट जॉब. थ्री यस यस राइट राइट आगे 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 राइट राइट हो जाओ. ये राइट है वो लेफ्ट है. बैठ जाओ इधर बैठ जाओ उधर ही और राइट बैठ जाओ बैठ थोड़ा आगे. यस 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 साथ में हाँ ओके 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 कम 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 आगे 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 हाँ ओके देवी उधर ही पीछे हो थोड़ा आगे 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 यस 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 ये हाँ यार ले आओ ले आओ रुक जाओ ए छुटकी हाँ ओके. फोर बलून्स नॉट बैड यार नॉट बैड वेल डन फोर गुड जॉब मेरा बेटा. ओके नेक्स्ट टीम आप उनको पट्टी बांध दे. कौन कौन खेल रहा है आप दोनों में से कौन करेगा आप करेंगी. ओके डन हो गया. सो अब टीम नंबर वन पट्टी बांधने का बदला जो है वो टीम नंबर थ्री पे निकालेंगे और टीम नंबर थ्री से आयशा खेलेंगी. कासिम भाई आप वहां पे आके खड़े हो जाएं प्लीज. थैंक यू. बलून्स को थोड़ा सा मैं अंदर पुश कर देती हूँ और थोड़ी सी मेरी टीम भी हेल्प करा दे तो हम गुब्बारे जो हैं वो अंदर पुश कर देंगे. आ जाओ बेटा. ओए होए होए आप यहाँ पे खड़ी हो जाएं. मुझे गाइड कर देना. हाँ वो गाइड ही करना है. आप पीछे हो जाए ना पीछे 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 पीछे. ओके यहाँ से भी थोड़ा सा हम बलून्स को अंदर पुश कर देते हैं और वन टू थ्री गो. ना आप उधर ही रहे कासिम भाई. इधर एक एक करके. हाँ टू अब किधर जल्दी जल्दी हैं अब बताओ जल्दी जल्दी थ्री हो गए. फोर हो गया है ला डन हो गया नाइन थे गुड जॉब गाइस. नाइन डायरेक्ट येलो वैसे किस तरह उठाए हैं सारे मैं तो परेशान हो रही हूँ. लेकिन पट्टी ऑपोजिट टीम बांध रही है. अगर पट्टी ऑपोजिट टीम आए काज में जरा आप अंदर करा देंगे गबारों को या फिर आप भी जरा हेल्प करके इसको अंदर करा दें. नेक्स्ट टीम जो आएगी वो टीम नंबर फोर आएगी. जरा उन पे पट्टी बांध दे. कौन खेलेगा. मैं खेलूंगी. आप खेलेंगी ठीक है. ईसा आप यहाँ पे आ जाए. जी हाँ जल्दी से आ जाते हैं. ओके कम ऑन रेडी. सारा रोक देना कोई रहा है अल्लाह मेरी बच्ची बेचारी की नाक बिल्कुल ही फिसा दी ना हमने. चलो यहां पे आ गए. वन ईसा वहां पे पीछे हो जाए. उधर 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 और नीचे एक स्टेप कर लो. There we go. One, two, three, go. Here, left, down, down. Come over, नीचे. Yes. इधर हाँ. पीछे भी. बैठ जो. Yes. अबे. बैठ जो. अरे नहीं नहीं खड़ा. ये yes. पकड़ो. Yes. इधर. पीछे हो जाओ. इधर. पकड़ नीचे. बैठ जो. Yes. पीछे जाओ. पीछे वापस. उधर ही. बैठ जो. उधर नहीं. इधर. Right. बैठ जो. Yes. That one. Yes. इधर. Four. वापस उधर जाओ. बैठ जाओ. यस 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 यस
उधर ही जाओ, उधर ही जाओ, यस यस यस, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यस यस, ओके ओके, उस साइड लेफ्ट जाओ, लेफ्ट पीछे पीछे, हाँ हाँ, सेवन, उधर तीन तीन की तरफ जाओ, तीन तीन की तरफ, ये बैठ, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, यस 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 यस, वापस उधर ही जाओ, उधर ही जाओ, उधर ही जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यस 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 यस, अरे वापस जाओ, वापस जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यस 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 यस, टाइमर, वापस उधर रहो, वापस वापस वापस, उधर ही उधर ही, बैठो बैठो बैठो, यस यस यस, वापस 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 वापस, लेफ्ट 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 लेफ्ट, बैठो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ओह शिट, ओके, अरे यार, टेन टेन, क्या गिरा नीचे मेरा, मैं अभी देती हूँ, बैठ गिरी है, फिकर ना करो, मैं अभी पकड़ाती हूँ, टेन टेन हो गया, हाय, कैसी तलवार, यानी कि किस किस का क्या क्या स्कोर है अभी, टेन हो गया, हाँ, नजर नहीं आया, स्कोर हो गया नाइन, आगे अब टीम नंबर टू क्या कारनामा दिखाएगी ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वैसे कितनी फनी बात है कि हर टीम जो है वो दूसरी टीम को सपोर्ट कर रही है, उस उन्होंने नीला पहना हुआ है, सिर्फ रेड टीम जो है वो रेड को सपोर्ट कर रही है, लेकिन नीली टीम अलहदा है, यहाँ पे किसी को भी नहीं सपोर्ट किया जा रहा, वो ग्रीन टीम है, जबकि कलर सबके फ़र्क है और मैं ग्रीन टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, और बारी भी अब ग्रीन टीम यानी कि टीम नंबर टू की आ गई है। गाइज एज यू नो अभी ब्रेक से पहले यासिर और मानूर ने टीम नंबर वन रेड टीम ने 4 स्कोर किया, फिर उसके बाद आते हैं टीम नंबर 3 की तरफ, कासिम शेख कासिम और आयशा ने 9 बलून्स जो है वो पकड़े, यानी कि वो सेकंड पे भी आ रहे हैं, और टीम नंबर 4 जो है वो नंबर 1 पे जा रही है, 10 बलून उन्होंने ग्रैब किए हैं। अब कौन खेलेगा आपकी टीम से, आप खेलेंगी, एन के उतरेंगी या पहनी, अच्छा एन के उतारनी पड़ेंगी, आप हिरा इनको प्लीज़ पहना दें जल्दी से पट्टी, और सांस नहीं रोकना लड़की का, हाँ एक सेकंड, सांस आएगा आपको, आप टेंशन ना ले, अगले की नाक ही फिसा दी, ऐसे नहीं करना हिरा, अपना जो भी बदला है वो आप गेम के थ्रू उतारें, नहीं बनती, ओके टाइट टाइट, इतना ओए होए, ये ये मैम हेल्प मी, हेल्प दादा, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, हां ठीक है, ओके आ जाओ आ जाओ, चले जी आइए सर, मोहम्मद अली सर, मोहम्मद अली सर, आप अपना कदम एक नीचे रख सकते हैं, कदम नीचे रख लें, 1 2 3 गो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इधर इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, साथ वाला साथ वाला, हाँ ये ठीक है, वो छोड़ दो परला, आगे जाओ ना, 1 परला छोड़ दो, हाँ ठीक है ठीक, यही है यही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 जल्दी उठा लो यहाँ से उठा लो, 2 नहीं दे सकते, 3 यही वाले, यही 4 तुम क्या हेल्प करो, हाय ये 3 हो, हाँ यही है, उठा लो यही उठा लो, आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 4 हाँ 3 हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, अगले वाला आगे वाला, आयशा आपने आगे नहीं आना, 5 हाँ हाँ आगे आगे थोड़ा सा, आइए ये आगे 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 पढ़ाओ, इधर आ जाओ इधर, 4 3 2 हाँ ये यार, वैसे आपने भैया बिल्कुल भी नहीं हेल्प की हमारी लड़की की, हाँ मारो उसको जाके, मोहम्मद अली भाई क्या करते हैं, आपने उसको बिल्कुल भी गाइड नहीं किया,
थोड़ा सा बंदा गाइड ही कर देता है वैसे इसमें तो आपने ध्यान एक आपने और एक यासर ओ और वो भी आप परला परला छोड़ दो भाई कौन सा पकड़ू पहले ये तो बता दो आप यासर को छोड़ दे महरून का रिएक्शन था अच्छा ओके गाइस सो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम नंबर फोर टीम नंबर फोर ये होता है पल्ला पलटना और बाय द वे मेरे पास सोशल मीडिया का स्कोर भी आ गया है लेकिन वो अभी मैं शेयर नहीं करूंगी वो हम बिल्कुल एंड में बताएंगे लेकिन स्कोर मेरे पास आ गया है आप लोगों को दिखा देती हूँ नहीं बताना मैंने आगे जाके जाऊंगी अच्छा गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है हमारा फेवरेट ब्रांड कोका कोला अपनी नई पोजीशनिंग लॉन्च कर चुका है रियल मैजिक के नाम से इनकी जो नई पोजीशनिंग है उसके साथ कोका कोला अपना नया लोगो भी मुतारिफ करा रहा है और कोका कोला की जो बॉटल्स हैं और कैंस पे आप इसको देख सकते हैं कोका कोला ये यकीन रखता है कि जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात जो हैं वो बज़ाहिर छोटे तो होते हैं लेकिन बहुत ही मैजिकल होते हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं यही लम्हात कोका कोला के साथ और भी मैजिकल हो जाते हैं लेकिन सवाल ये है कि कौन से लम्हात और जवाब क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ पहले ज़रा हम देखते हैं कोका कोला का नया कमर्शल व्यूअर्स आपने नोट किया होगा कि पिछले पाँच दिन से इंक्लूडिंग टुडे हमने बच्चों को कन्फ्यूज ही रखा है किसी तरह हम इनको बहुत कुछ खिला देते हैं किसी दिन कुछ नहीं खिलाते और एंड में हरी मिर्चें खिला देते हैं जैसे कि कल तो इनको समझ नहीं आती कि हम नाश्ता करके आएँ या ना करके आएँ यकीनन आज करके आए होगे नाश्ता करके आए हो ना आज नाश्ता हाँ क्योंकि लगा कि शायद आज अगर कल हरी मिर्चें खिलाई थी तो अब ये लोग रुक गए होंगे लेकिन नहीं आज नींबू खिलाएंगे लेकिन आज हमने सोचा कि आपको बिरयानी खिलाएंगे देखो बिरयानी तो पूरे पाकिस्तान में हर किसी को पसंद है बल्कि लाहौर कराची का तो यही जंग चलती रहती है कि बिरयानी ज़्यादा किसकी अच्छी है थाली किसकी ज़्यादा अच्छी है गुब्बारे भी पीछे बट रहे हैं एक्साइटमेंट के मारे सो गाइज रूल्स कुछ ये हैं बिरयानी की प्लेट आप चारों के सामने पड़ी है आप लोगों ने बिरयानी खानी है लेकिन खानी है बिरयानी लड़कियों ने हड्डियाँ खाने के अलावा आप लोगों ने हेरा बस कर दो कितनी बातें करनी है कितनी बातें करनी है हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ही करना ना ऑन एयर आपकी सारी कोऑर्डिनेशन जा रही है आप जो सारा कुछ बता रही है वो ऑडियंस तो जिन्होंने अगले हफ्ते आना है वो भी कुछ सीख लेना हाँ वो अगले हफ्ते वालों को हम सोशल मीडिया पर सिखा देंगे सोशल मीडिया में वैसी तबाही मची हुई होती है अच्छा सो अब सिचुएशन ये है कि गर्ल्स खाएंगी बिरयानी बिरयानी जो पहले खत्म करेगा निगलने के बाद हाथ ऊपर करके कहेगा डन हम उनको जाके चेक करेंगे गिराना नहीं है खाने की बिरयानी करी प्लेट प्रॉपर साफ होनी चाहिए हड्डियों के ऊपर जो बोटी है वो भी कंप्लीट होनी खानी चाहिए हड्डियां छोड़ दें लेकिन ये ना हो कि इतने इतने पीस चिकन के ऊपर लगे हुए हो डन हो गया आर वी रेडी 1 2 3 गो क्या बात है पेट भर जाएगा जितना पानी पियोगे उतना पेट भर जाएगा अच्छा चलो पियो पानी साथ मानूर की कोई हालत देखे मानूर अपने मुंह से बड़े साइज की बाइट्स ले रही है अच्छा टीम टू मेरे फेवरेट अंदाज से खाना खा रही है वो हाथ से खाना खा रही है मुझे तो खैर मरियम हाथ से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है खाना खाना क्योंकि खाने का मजा आता है एक्चुअली मजा आता है अच्छा टीम थ्री बहुत ही नजाकत और नफासत के साथ खाने की कोशिश कर रही है बिल्कुल ठीक है आयशा आप लगी रहें हीरा पानी ज्यादा पी लिया है खाना कम खाया है हीरा भी हाथ से खा रही है वेरी गुड हीरा असल में बिरयानी खाने का तरीका यही है छुरी कांटे वाला स्टाइल है ना इट इज बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है खाओ खाओ बेटा एंजॉय करें
हेलो भाई माधुर, मतलब एक डेंट भी नहीं पड़ा आपकी प्लेट में, एक डेंट भी नहीं पड़ा। देखते कहाँ कहाँ तक प्लेटें पहुंची हैं हमारी। इतना इतना हमने अभी खा लिया है, क्यूट। बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, अभी तो खाई भी नहीं है तो बाहर किस तरह आ रही है। वैसे जिस टीम का सबसे मेजर कंपटीशन एक दूसरे के साथ चल रहा है वही टीमें जो हैं अभी तक मुकाबले में चल रही हैं। आधी आधी प्लेटें ऑलमोस्ट डन हो गई हैं, नॉट बैड। अच्छा मेरा भी दिल चाह रहा है बिरयानी अब खाने का। हाँ आके, अच्छा वो कह रही है कि मैं सर खा लूँ, सर बिरयानी खा लूँ बच्चों के साथ, इजाजत है पूरा दिन कुछ मत खाना, ये खा पाओ वो ये जैसे साफ है खा लो। लेकिन डू इट। अच्छा नहीं आ सकते ये, चलो सबकी प्लेट में से ना एक एक निवाला खा ली थी, मेरा भी दिल चाह रहा है बिरयानी खाऊं। नहीं है अच्छा मजा कोई नहीं देखा तुम्हें, तुम्हें कोई नहीं देखा तो खाओ। मतलब मजे की है बिरयानी, तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे क्या खिला रही हूं। पर उसके साथ घर से बनवा के लाए। हां कुछ नहीं होगा, तुम लोग नहीं बड़ा सा बना लेते हो, कल कल बना लेते हो, तो बना लेते हो, बहुत पानी बड़ा हो आपके घर की बिरयानी बहुत अच्छी है, थैंक यू बॉस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं खाई जा रही और नहीं, 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 देखो खाओ खाओ, जब तक सारे टीम मेंबर चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। नहीं ना नहीं खत्म करे ना अपना, आ रही है वो मजे की बिरयानी, तुम लोगों को मजे की पसंद आ रही होगी। मैंने कहा था ना मरीन खा लेगी वो खाने का, तो नहीं ये दोनों टीमें हमेशा जल्दी गिव अप कर जाती है, टीम वन एंड टीम थ्री। तुम दोनों ने गिव अप कर दिया ना? जी हां। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम लोगों की बिरयानी आके और खा सकती हूं। आप चल रही है अभी तक? असल में मजे की है बिरयानी। हां हां जल्दी जल्दी मम्मी का गरम कर लो। बस एक दो बस। हाँ हाँ ये इंशाल्लाह निकल जाए। ठीक है चक्कर लगाओ, बल्कि दोनों की प्लेटों को साथ साथ कर देती हूँ। निगले पहले अपनी निगले, किसने खाया? और इधर आ जाए, नहीं आप इधर आ जाए ना, आप अपनी प्लेट के साथ हैं और आप अपनी प्लेट के साथ हैं। ये देखे ना, अब ये है हमारी टीम टू, यहाँ से हटा देती हूँ फोर। ये देखिए ये एक टीम नंबर फोर की प्लेट है और ये टीम नंबर टू की प्लेट है। प्लेट में चिकन था ही नहीं। देखें ये देखें बोटियां हैं सारी है। बेटा तुम चावल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देख लो ना, चलो तुम एक बोटी खुद ही निकाल लो वहां से, चलो फिर भी उन्होंने ज्यादा खाया, टेक्निकली उन्होंने ज्यादा खाया है। तो फिर गाइस विनिंग टीम कौन सी है, टीम नंबर टू या टीम नंबर फोर? तुम लोग ही डिसाइड कर दो भाई। टीम नंबर टू आपकी शिकायत है यार, उनकी बोटियां ही कम है।
बेटे आप देखो अच्छा बस ठीक है ओके हाय मेरा बच्चा मैं सच के टीम नंबर टू इज द विनर मुझे पहले ही पता था टीम टू ने जीत जाना मैंने खाई नहीं इसलिए वैसे कितनी बुरी बात है मेरी तबीयत खराब मुझे पता था उन्होंने जीत जाना अगर मैं छोड़ती उसने भी छोड़ देना था फायदा मैं इसीलिए नहीं खाई तो अब स्कोरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है लेकिन स्कोरिंग की तरफ आगे जाएंगे नेक्स्ट गेम की तैयारी करते हैं भी लड़कों से कुछ वजन उठवाते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स वक्त कम और मुकाबला सख्त है अब हम उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हमने फाइनल डिसीजंस की तरफ जाना है एक या दो गेम्स हम और खेलेंगे एक होंगी कि दो होंगी वो अभी डिपेंड करता है ऑन द टाइम फैक्टर देखें ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम बिगेस्ट LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ऑफ लाहौर वेस्ट ऑफ लाहौर है ये लोकेटेड सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं ये चार ब्लॉक्स अभी तक वैसे भी अल जलील डेवलपर्स जो भी काम करते हैं अमेजिंग ही करते हैं वेस्ट मरीना कॉटेजेस एंड विलास जो हैं वो इनका बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है ये मज़र मुनीर ने डिज़ाइन किया है जो ग्लोबली रिनाउंड आर्किटेक्ट है पाकिस्तान और इंटरनेशनली दोनों जगह पे उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत ही ब्रिलियंट इनका काम है अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है यानी कि बहुत ही मुनासिब पेमेंट आपको करनी होती है हर इंस्टॉलमेंट पे 80% कॉटेजेस और जो विलास हैं वो पार्क फेसिंग है मैं बात कर रही हूँ वेस्ट मरीना कॉटेजेस एंड विलास की 5 साल का पेमेंट प्लान है जो बड़े आसानी से आप कवर कर सकते हैं अलनूर ऑर्चर्ड में एक बहुत ही बड़ा प्ले एरिया भी है प्ले ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे फैमिली मेम्बर्स जाके इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही महफूज इन्वायरमेंट है आजकल के ज़माने में वैसे ही तहफ़ की बात की जाती है तो महफूज इन्वायरमेंट है वेस्ट मरीना कॉटेजेस और विलास वो तमाम आसाइशों के साथ आज आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं जो बहुत बड़े बड़े घरों में यूजली रिक्वायर्ड होती हैं 04211133397 पे आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं व्यूअर्स हमारी टीम्स आज जीतेंगी क्या आइए चलते हैं अपने गिफ्ट कॉर्नर की तरफ क्योंकि गिफ्ट कॉर्नर की तरफ जाना भी बहुत ज़रूरी होता है हमने सोचा कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स देनी चाहिए ऑफकोर्स कुछ चीज़ें तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को सब पार्टिसिपेंट्स को देंगे बिकॉज हम उनको बहुत प्यार करते हैं खालिसपुर की तरफ से इनके बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं बाय द वे आप लोग जब इनको ट्राई भी करेंगे मैं रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा बिकॉज बिल्कुल 100% प्योर अमेजिंग प्रोडक्ट्स पर्सनली भी मैं इनको रेगुलरली यूज़ करती हूँ देन नूर बा जुगन काजे मेरा अपना ब्रांड है मैंने सोचा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को ज़रूर गिफ्ट देने चाहिए बोरजान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो सिर्फ हमारे विनर्स को जाएंगे और जो विनिंग टीम होगी उनको मिलेगा वेव्स की तरफ से माइक्रोवेव एंड वेव्स की तरफ से जूसर एंड ब्लेंडर उसके अलावा सारे पार्टिसिपेंट्स को हर टीम को एक एक जाले की तरफ से जाले बाय रिशा की तरफ से ये वार्डरोब भी मिलेगी सो ये सब चीज़ें मिल रही हैं एंड ऑफ कोर्स वेव्स का हम स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वेव्स ने कहा कि भाई अब सब खेल कूद रहे हैं पार्टिसिपेट करें तो सबको एक एक जूसर और ब्लेंडर मिलेगा चारों टीम्स को Right, so you're all going to get a juicer blender each, and the winner will get a microwave oven from Waves as well. So all these things, 2v1. Game ki taraf aate hain. Boys, aa jaye please. Boys, aa jaye please. Aa jaye. Okay. क्योंकि आप दोनों का कंपटीशन तब से चल रहा है 2 और 4 का, तो आप दोनों को तो मैंने बिल्कुल भी एक दूसरे के अगेंस्ट अभी पिच नहीं करना. टीम नंबर 2 नहीं टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 2 यहां पे आ जाए ओके आप दोनों का हमने कंपटीशन कराना है आप लोग इसको उठाएंगे अपने हाथों से और उठा के रखेंगे थोड़ा डिस्टेंस पे ताकि पैरों पे ना गिरे सेंसिबल अंदाज में इस तरह स्ट्रेट बाजू रख के उठाना है और उठाई रखना है जो पहले गिव अप कर जाएगा वो हार जाएगा ठीक है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ पकड़ के पैरों के आगे स्ट्रेट चलें जैसे ही स्टार्ट करेंगे एक साथ लेट्स गो हाँ जी सीधा करके आगे हाँ
ताकि पैरों पे ना गिर। जिसका जमीन पे टच हुआ पहले वो हार गया। इतना आसान नहीं है जितना लगता है। कोनिया सीधी करें अपनी, बॉडी के साथ नहीं लगाना। कोनिया सीधी करें, सीधी करें, नहीं कोनिया सीधी नहीं होगी तो फिर गिव अप कर जाए। नहीं हो रही तो फिर गिव अप कर दे। जिससे नहीं हो रहा वो गिव अप कर दे। नहीं ना हो रही नीचे, वो हो गया नीचे, नीचे हो गया। कासिम भाई आप आउट हो गए, आउट हो गए। ऐसे रख दो नीचे, रख दो नीचे। अभी आप विनर है इस वाले के, आप यहाँ पे खड़े हो जाए। नहीं नहीं अभी आप आगे आपने करना है। अभी इन दोनों के बीच में से जो जीतेगा उसके अगेंस्ट आप करेंगे। ओके बॉयज आर यू रेडी? एक मिनट इसको यहाँ से टॉप से उठाना है। ओके टॉप से उठाना है, ठीक है। और पैरों से दूर रखिएगा टू बी सेफ। वन टू और कोनिया सीधी, ये यऊ नहीं करना, अच्छा एंज सीधा करना है। ओके वन टू थ्री गो। स्ट्रेट 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 कोनी सीधी। हाँ ये वो तो आपकी भी पीछे थी कोनिया, अभी देख लेना। अभी वो दोनों का वही हाल है इस वक्त चल रहा है। अभी मोहम्मद अली के अगेंस्ट जो खेलेगा पता चलेगा। आपका आहिस्ता आहिस्ता वैसे नीचे जा रहे हैं। हमारी कोनिया बिल्कुल सीधी थी, कोनिया सारा दिन रखी रखे। पैर पे आके गिरेगा अगर आपने इस तरह इतना करीब किया। इसको डिस्टेंस पे रखें। ये याद रखना कि अभी सेकंड राउंड भी है। यो दिस इज जिन्होंने अभी किया वो ड्रैग दोबारा कैसे करेंगे? या मुझे उधर कर दे, पैरों पे गिरना है फिर रोना है दोनों ने। आपके तो डायरेक्ट पैर पे गिरने हैं, ऐसे गिरने वाला है। हो गया यार, यहाँ से आउट हो गया यार। थोड़ी देर आप उसके हाथों पर आराम। हाँ, दो मिनट जरा आप अपने पासों पर। एक तो इसको पसीना इतना आता है ना। अच्छा ऐसा करते हैं कि गेम पे वापस आएंगे तो इन दोनों के बीच में डिसीजन लिया जाएगा ताकि दोनों को थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाए। गाइस हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल स्टेज की तरफ पहुंचेंगे। सोशल मीडिया की भी अनाउंसमेंट मैंने करनी है व्यूअर्स, तो ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम पहुंच गए हैं लास्ट गेम के लिए, लेकिन बोरजान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोरजान की जो आज ब्राइडल कलेक्शन है वो मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक्सेसरीज़ भी हैं, ब्यूटीफुल ज्वेलरी जो आप किसी भी वेडिंग या किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हैं। अमेजिंग क्लचेस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एम्बेलिश क्लचेस, शूज़ ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो अमेजिंग स्कार्फ्स एंड बैग्स भी हैं। बट बोरजान की जो सब ब्रांड है गिग, उनमें बहुत ही अमेजिंग मेंस शूज़ भी हैं। अब अगर आप मेंस कलेक्शन की तरफ भी नज़र डालें तो वॉलेट, शूज़, कफलिंग्स, बेल्ट्स, एक एक चीज़ प्रोवाइडेड है। सो आई मीन अगर आपने किसी भी फॉर्मल इवेंट पे जाना है तो बोरजान के पास आपकी सारी जो एक्सेसरी एंड शू नीड्स हैं वो प्रोवाइड हो जाती हैं। वन स्टॉप शॉप है, आपने कपड़े लिए और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बोरजान से मिल जाती हैं। इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। www.borjan.com.pk पे जाएं और आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनके जो मेन्स फॉर्मल शूज़ हैं, चाहे वो लेस अप्स हों या स्लिप ऑन्स हों, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग और हर बंदे के मिजाज के हिसाब से कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाती है बोरजान। एंड ऑफकोर्स बोरजान इज़ वन ऑफ आर स्पॉन्सर्स, उन्होंने भी तहाइफ दिए हैं। अच्छा गाइज कॉम्पिटिशन अब मेजरली जो है बेसिकली टीम फोर एंड टीम टू के बीच में है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रेक से पहले ये दोनों विनर्स थे पार्ट वन के। अब जो फाइनल गेम का पार्ट टू है उसकी तरफ हमने बढ़ना है। और मोहम्मद अली भाई आप भी आ जाएं और ईसा बेटा आप भी आ जाओ। और मैं पहले ही अब आप लोगों को बता दूं और मैंने इधर आ जाए ना, क्या हो गया, हमने बाजू स्ट्रेट करके पकड़ना है, इस तरह नहीं पकड़ना। ये जो इस तरह करके आप लोग पकड़ रहे थे दैट इज अ प्रॉब्लम।
हाँ वो दैट्स यू विल गेट डिस्क्वालीफाइड सो यू वांट दिस स्ट्रेट और स्ट्रेट रखना है मुश्किल तो तब ही है ना वरना इस तरह करके तो हम अपने बॉडी के वेट को यूज कर लेते हैं गाइस बेस्ट ऑफ लक लास्ट गेम वन निवास से ज्यादा भारी हो जाएगा चलें नहीं ऊपर से ही पकड़ना है 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 ऊपर से पकड़ना है ठीक है आप रेडी हो जाएं फिर मैं 1 2 3 करके करूंगी ऊपर से पकड़ना है अच्छा इधर नहीं देखे ना आप अपना करें ना नहीं बेटा एक कुछ रूल्स है ना हाँ अब एक सेकंड बेटे ऐसे नहीं आपने स्ट्रेट ऐसे पकड़ना है ठीक है अब आप रेडी हो जाएं वन सेकंड जो लेट पकड़ेगा उसको मैं उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दूंगी मैं जैसे ही 1 2 3 कहूंगी आप लोगों ने उठा लेना है 1 2 3 गो अब उन्होंने नीचे से पकड़ा जैसे कि आप देख रहे हैं इस बच्चे की एंड्योरेंस का हमने पूरा टेस्ट किया है मोहम्मद अली भाई आप तो मक्खन खाने वाली कौम है लग रहा है नहीं नहीं अभी नहीं लगा अभी नहीं लगा लगने वाला है ये आपने कहा था इधर से पकड़ना उन्होंने नीचे से पकड़ा है बेटे इट डजंट मेक अ डिफरेंस द सेम काइंड ऑफ थिंग बहुत देखे कैसे कर रहे हैं अली ऊपर करो अली ऊपर करो ये क्या हो रहा है अली बाजू सीधा अली नीचे लग बेटा क्या हो रहा है ऐसे ये देखे ना ऐसे भैया आप अपने पे तवज्जो दें छोड़ दो उसको छोड़ दो उसको छोड़ दो ऊपर रखो ऊपर हाथ नीचे हो गए बेटा हाथ नीचे हो गए अब तो खाली तो कितने यूं नहीं हुए ये देखो ये देखे ना हो गया उसको भी देखो अब उनकी गोलियां लग गई है क्या हो रहा है उनकी गोली देखो मेरे पास सीधे हो जाए गोलियां हाथ सीधे हाथ सीधे हाथ सीधे ओके टीम नंबर टू आप लोग सारे सामने आके खड़े हो जाएं सीक्वेंस में टीम वन टीम टू टीम थ्री टीम फोर करके ठीक है टीम वन यहाँ पे टीम टू अच्छा आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाएं मैं जरा कुछ अपना हिसाब किताब करती हूँ आओ ओके उधर आ जाएं चलें सारी अपनी अपने टीम मेंबर्स के साथ खड़े हो जाएं टीम वन ने पहले खड़े होना था टीम थ्री इधर आएगी टीम थ्री यहाँ पे आएगी हाँ जी हाय ओके अब वो इंटरेस्टिंग मरला आ गया है जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सोशल मीडिया के पॉइंट्स किसको मिलेंगे आप लोग अपने चेहरे वहीं पे रखेंगे सोशल मीडिया पे नंबर 4 यानी कि जिनको लोएस्ट फीडबैक मिली वो टीम है टीम 1 यासिर एंड महनूर थर्ड नंबर पे तो एक दूसरे को इनकरेज कर लो थर्ड नंबर पे लोएस्ट जिनको इंटरेक्शन मिला देखो हम अपने पेज की बात करें आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया में बहुत बड़े स्टार्स हो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं आप लोगों के टिकटॉक पे और डिफरेंट चीज़ों पे वो सब चीज़ें अपनी जगह सॉलिड हैं लेकिन हमारे पेज पे जो इंटरेक्शन आया सुबह 9 बजे तक हमने उसको गिना थर्ड पे है टीम नंबर 3 शेख कासिम एंड आयशा अब सवाल ये है कि टीम नंबर 2 और टीम नंबर 4 में से किसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे हाँ अच्छा यानी कि अभी हमने नहीं अनाउंस करना अभी सोशल मीडिया अब ये तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है मैं अभी पहले स्कोरिंग करती हूँ ऑफ द गेम्स ठीक है ना अभी ये सोशल मीडिया के बगैर है टीम 1 2 पॉइंट्स टोटल अच्छा टीम नंबर 3 के हैं 10 पॉइंट्स ठीक है टीम नंबर 2 जो है 11 12 13 14 14 पॉइंट्स हैं और टीम नंबर 4 के पॉइंट्स हैं 12 ठीक है ना अब 2 पॉइंट किस टीम को मिलेंगे 2 पॉइंट सोशल मीडिया के किस टीम को मिलेंगे क्या टीम 2 को मिलेंगे या टीम 4 को मिलेंगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कितने कॉन्फिडेंट है आप लोग हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ईसा
I don't know, man. Let's see. कॉन्फिडेंस लेवल कितना को है? देखो सोशल मीडिया पे भी तो इंटरेक्शन हमें चाहिए था ना, इसीलिए हमने अपने व्यूअर्स को कहा था कि 2 points हम नंबर 1 को देंगे और 1 point नंबर 2 को देंगे. कितने कॉन्फिडेंट हो तुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह. ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाना बॉस. नहीं नहीं, ओवर चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं किसी भी स्टेज पे. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ईसा को तो गुस्सा चढ़ा हुआ ना कि मेरे इतने प्यारे प्यारे हाथों को आपने डैमेज कर दिया बिकॉज ऑफ लाइक यू नो. पर दो दिन से कह रहा है मैं बर्गर हूँ, मैं बर्गर हूँ, मैं बर्गर हूँ. आज एक दिन का था, हमने आज ऐसे बर्गर्स खिलाने थे, फिर हमने जान के बिरयानी खिलाई कि कहीं तुम ये ना कहो कि देखे आपने बर्गर खिला. खाने में लड़कियों ने था. लेकिन रिकॉर्डिंग चेक कर लो, रिकॉर्डिंग चेक कर लो. पिछले 4 दिन से यही तो कह रही हूँ. आपने कहाँ पे कमेंट किया? आपने हॉक नेशन बोला है, अभी मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज हो गए. लेकिन एक बात है, हम दोनों खुद फेसबुक पे नहीं है, बिकॉज इन हमारी नजर में कोई बुरा ना माने, हमारी नजर में फेसबुक इज ओल्ड स्कूल. अग्रीड, बट हमने अपने जो मॉर्निंग शो के व्यूअर्स थे उनके लिए ये एक्टिवेशन चलाई थी, राइट? कि हमारे जो मॉर्निंग शो के व्यूअर्स हैं, जो आप लोगों को ऑन एयर देख रहे हैं, वो अपना फीडबैक दें और उस हिसाब से चीज को आगे लेके चलें. इफ यू वुड हैव स्पोकन अबाउट इंस्टाग्राम और यूट्यूब, I'm 99% sure we would have gotten अच्छा, but मैं अब आपको एक बात बताऊं. Yeah. अगर आपको 2 score मिल भी जाता, we would still be on par. नहीं नहीं नहीं, no you wouldn't be on par, they would still be winning. Yeah 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 yeah. हो गई बात done. Yes, okay. देखो मैं वो वाली host नहीं हूँ कि अगर हम on air हैं तो मैं आपके साथ back and forth जाऊँगी. Because एक तो ईसा you're like my बच्चा and I've always established that आप सब मेरी family की तरह हो. मेरा सिर्फ point ये होता है कि we must do things एंड ओपनली, इसीलिए मैंने फेसबुक का क्लियर किया था. आइए जी हमारे विनर्स प्लीज आ जाए आ जाए आ जाए. आप लोगों को तो जो चीजें मिल रही हैं वो सब मैं यहीं पे छोड़ दूंगी. हमारे जो बाकी विनर्स हैं उन सबको खालिसपुर की तरफ, बेटा एक वो मुझे पकड़ा दो ये पेपर. हाँ हम जरा जो हमारे विनर, हाँ विनर्स को भी ऑफ कोर्स प्राइजेस मिलेंगे और ये आप लोगों के लिए गिफ्ट हैंपर्स हैं. और ऑफ कोर्स वेव्स की तरफ से जूसर ब्लेंडर सबको. हाँ ठीक है, और अब हम जा रहे हैं, जाते जाते हमारे जो विनर्स हैं आपको वेव्स की तरफ से जूसर ब्लेंडर एंड ऑफ कोर्स आपको मिलेगा माइक्रोवेव. नूर बाय जुगन की आजम की तरफ से गिफ्ट हैंपर्स, बोरजान की तरफ से गिफ्ट हैंपर्स, खालिसपुर की तरफ से गिफ्ट हैंपर एंड ऑफ कोर्स अजाले की तरफ से भी गिफ्ट हैंपर्स.